दिखाते हैं आपको तो गाइस, ये है चमगादड़ों की सेना। हां डैडी को लाइक करना, लाइक। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी अपने कुछ दोस्तों के साथ मैं आया हुआ हूँ शिवपुरी, मध्य प्रदेश में। इसी के साथ मौसम हो रहा होता है बेहतरीन और स्टेशन के बाहर का माहौल बहुत ही शांति भरा होता है। निकलते हैं यहाँ से होटल की ओर, पहले स्टे करते हैं क्योंकि रात भर थोड़ा सा असुविधा सी हो गई थी, और थोड़ा बहुत आराम करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। इसी के साथ हम लोग ऑटो रिक्शा पकड़ करके निकल जाते हैं होटल ढूंढने के लिए। रिक्शा वाले भैया हम लोगों को होटल पे उतार देते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं स्टे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं होटल में और चेक इन वगैरह करने का वेट कर रहे हैं। सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, घर भाई भी हमारा बैठा हुआ है। A few moments later. कुछ ऐसा रूम है और यहाँ ये पड़ चुके हैं आते मान। टीवी लगी हुई है, क्या है वे, बॉक्स वॉक्स लगा है कुछ, काम वाम करता है कि नहीं करता है पता नहीं। और इधर शीशा, इसके अंदर क्या है बाबा, रेस्टोरेंट के सिस्टम है, चिकन करी आलू करी सब उपलब्ध है। तो करते हैं थोड़ा बहुत रेस्ट और फिर निकलते हैं यहाँ से बाहर। और बाहर का मैं थोड़ा सा यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ आपको। जस्ट फर्स्ट फ्लोर के बारजे पे खड़े होकर के हम लोग यहाँ से आने जाने वाली गाड़ियों को और बंद दुकानों को ही देख सकते थे। और इन भाई साहब के कुछ बैंक के लफड़े की वजह से हम लोगों को यहाँ आना पड़ा है। खैर, यहाँ बैठ करके हम लोग करते हैं थोड़ी देर रेस्ट और आज के दिन इनका कराते हैं बैंक से रिलेटेड मैटर सॉल्व। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ग्वालियर में और अपने दो भाइयों को विदा करते हुए ये लोग जा रहे हैं मुंबई और निकलते हैं यहाँ से और किला वगैरह घूमते हैं। थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो गया था, मतलब डिसबैलेंस हो गई थी चीज़ें। कल की व्यस्तता की वजह से कल कुछ शूट हो नहीं पाया और आज सुबह की ट्रेन पकड़ करके शिवपुरी से हम लोग पहुँच जाते हैं हम लोग ग्वालियर घूमने के लिए। स्टेशन भी यहाँ पे देखने में काफ़ी प्राचीन लग रहा था। खैर, इसी के साथ हम लोग पकड़ते हैं ई रिक्शा और निकल पड़ते हैं ग्वालियर फोर्ट के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रास्ते में दिखता है हमें एक प्राचीन सा घर जो कि एक रोड के किनारे पर बना हुआ था। अगर सोचा जाए इसी तरह की बस्तियाँ पुराने जमाने में बसी होंगी यहाँ पर। तो इसी के साथ अभी हम लोग आ चुके हैं ग्वालियर फोर्ट पे और मैं दिखाता हूँ आपको, सामने है मेरे फोर्ट और यहाँ से है एंट्री। टिकट वगैरह देखते हैं कहाँ पे मिलेंगे। और कुछ ऐसा व्यू है बाहर से, जस्ट गेट, ये गेट नंबर पता नहीं कितना है। खैर, यहाँ से घुसते हैं और विकास भाई आते हुए यहाँ से। तो पहुँच चुके हैं अभी हम लोग ग्वालियर फोर्ट में। इसके साले की रीलें नहीं ख़त्म हो रही हैं। और ये देखिए यहाँ से ऊपर, और ऊपर से जा करके यहाँ का व्यू दिखाते हैं नीचे से। फिलहाल यहाँ से एंट्री हो चुकी है, बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी भाई, पर खैर चढ़ते हैं देखते हैं क्या कैसा सीन है और मज़े लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शिवलिंग वगैरह है बना हुआ है जो कि पत्थरों के बीच में काट करके बनाया गया है। और कई मूर्तियाँ भी हैं यहाँ पे जो कि पूरे पूरे पहाड़ को काट करके पूरा किला बनाया गया है। यहाँ पर विकास भाई अपने वानर रूप का प्रदर्शन करते हुए उछल कूद करने लगते हैं और मैं भी चढ़ जाता हूँ इसी के साथ किले की दीवार के ऊपर। और यहाँ से ग्वालियर के किले का कुछ सुंदर सा ऐसा व्यू दिखता है। और इसी के साथ हम लोग बढ़ने लगते हैं आगे। और ये एक होल है गाइस, इसके अंदर देखते हैं। रास्ते में बने इस होल में जब मैं झांक कर देखता हूं तब मैं एक चीज़ नोटिस करता हूं कि यहां की दीवारें काफ़ी चिकनी है। आखिर इस होल को किस लिए बनाया गया होगा, इसका कोई भी प्रमाण यहां पे सिद्ध नहीं किया गया है। और इसी के साथ जब मैं बगल वाले होल में झांक कर देखता हूं तो मुझे पता नहीं क्यों यहां पे थोड़ा सा डर लगता है और इसीलिए मैं यहां से पीछे हट जाता हूं। खैर, ये होल किस लिए बनाए गए हैं इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, पर इनका निर्माण पहाड़ों के निचले स्तरों को काट करके किया गया है। और इसी तरह के कई और गड्ढे यहाँ पे उपलब्ध हैं जिनको ईंटों से ढका गया है।
कुछ ही दूर जाने पे हमें दिखता है पहाड़ों पे किए गए कुछ आशिकों के ऑटोग्राफ। पता नहीं कैसे इन लोगों ने इतनी ऊंचाई पे अपनी कला का प्रदर्शन किया है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे चढ़ने के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। और इसी के साथ यहाँ से हो जाती है हमारी किले में एंट्री। और अभी हम लोग आ चुके हैं ग्वालियर फोर्ट के ऊपर, और सामने से मैं आपको फोर्ट दिखाता हूँ। और ये है पूरा किला यहाँ से, और ये पूरा शहर यहाँ का व्यू। देख रहे हो गाइस, फोन के साथ साथ ये भी हीट हो चुका है। और अभी हम लोग उधर जा रहे हैं, उधर से फिर आगे की साइड जाएंगे और देखते हैं वहाँ से कैसा व्यू आता है उस पूरे एरिया का। बाकी यार गाइस, एकदम चौकचक तरीके से बनाया हुआ है। हम लोग सोचे थे टिकट विकट कुछ लगी हुई है ना, पर समझ में आ रहा है अब कि आगे जाके है सब कुछ सिस्टम। और आगे दिखाते हैं आपको तोप। गाइस ये रही तोप है, और इसमें पड़ता था गोला, और जो राजा लंठाई करता था वो राजा पिला जाता था। और इसी के साथ हम लोग यहाँ से आगे जाने के लिए कटाते हैं यहाँ से टिकट। और विकास भाई करता है यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि काफी लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे और काफी थक भी चुके थे। और इसी के साथ सबसे पहले हम लोग घुसते हैं मानसिंह महल में। एंट्री कहाँ से है शुरुआत? अच्छा टिकट यहाँ, अच्छा टिकट यहाँ का है, तो यहाँ सामने का उधर से अलग है। यहाँ का कितना, मतलब सब इधर है ना सब सिस्टम? लीजिए दो है, 75 रुपये शो कर रहा था, वो 3 जगह का शो कर रहा था। अच्छा 3 जगह 75। खास बे अंधेर भाई है तो। और इसी के साथ हम लोग घुसने लगते हैं यहाँ पे बने तहखाने के अंदर। बे चलो, हमको लगा यहाँ बंद है। अबे यार, अबे भूल कर जाएगी गौरव अंदर। अरे कहाँ हुआ बे, फोन तो है ये है, फोन लगाएंगे बाहर से। 2 लौंडे और आ रहे हैं। हेलो, आज तो भी तहखाना है गाइस, देख लीजिए तहखाना है हुक्का। अबे यार, यहाँ से अगर कोई सामने भाई साहब चिल्लाती हुई कोई औरत आ जाए, गाड़ पड़ जाए, ऊपर जाने में भी ना हम लोग को मिले। और इसी के साथ हम लोग घुसते चले जाते हैं तहखाने के अंदर। अबे चमगादड़ लटके हुए हैं बे। सही? हाँ ये देखो। हाँ हाँ ये देखो भाई, चमगादड़ लटके हुए हैं। और यहाँ से निकल करके हम लोग पहुँच जाते हैं पार्टी वाली जगह पे, जहाँ पर राजा महाराजा नृत्य इत्यादि का आनंद लिया करते थे। और ये बात मुझे इन गाइड अंकल ने बताई थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इन्हीं के अनुसार सामने यहाँ पे राजा बैठा करते थे, और सामने वाले झरोखों के पीछे रानियाँ, और इधर भी इनकी कुछ रानियाँ बैठा करती थी। पता नहीं कितनी रानियाँ रखता था राजा। और सामने होता था यहाँ पे डांस वगैरह। और ये गेट यहाँ की भूल भुलैया का है, जिसको यहाँ पे पब्लिक के लिए बंद किया गया है। इसी के साथ हम लोग निकल जाते हैं मानसिंह महल के बाहर। और ये है कर्ण महल, जिसको पढ़ना होगा वो स्क्रीनशॉट ले सकता है यहाँ से। और इस महल से दिखता है ग्वालियर शहर का कुछ ऐसा व्यू। ये किला इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से पूरे ग्वालियर पर निगरानी रखी जा सकती है। और ये है कर्ण महल, जो कि आज के समय में काफी टूटा फूटा और खंडहर सा हो गया है। अभी हम लोग कर्ण महल के अंदर है, और ये बरामदा टाइप का लग रहा है, और ये पीछे महल पूरा बना हुआ है, और पीछे पूरा ग्वालियर सिटी। उधर कुंड है, चल के देखते हैं भाई लोग इस समय आगे जाते हुए, और दिखाते हैं आपको यहाँ का ऊपर का भी पूरा व्यू। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. यहाँ पे मैं महल के सबसे ऊपरी इमारत पे खड़ा हुआ हूँ, जहाँ से जहाँ पे कांस्टेबल खड़ा होता था इनके अनुसार, क्योंकि पिछले जन्म के यही कुछ हो सकता है सिस्टम। क्यों भाई, यहीं से मालूम तड़ा करते थे तुम? यहाँ से यहीं शराब मिला था ना तुम्हें? मैंने अपने एक सूबेदार का प्रमोशन किया था, हाँ। उसको यहीं खड़ा किया था, यहीं पे खड़ा किया था, फिर उसने एक कांड कर दिया था, मैंने उसको यहीं धक्का दे के
मरवा दिया था। अच्छा। ऐसे में सजा देता था उस टाइम पे। सही में यह चमगादड़ों की सेना देख सकते हैं, अंदर जाने की हिम्मत इनकी भी नहीं है, खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं। और यहाँ से हम लोग निकलते हैं बाहर और पहुँच जाते हैं विक्रम महल में। और कुछ ऐसा है लुक इस पूरे महल का, ये महल मंदिर की तरह बनाया गया है, इसीलिए इसे विक्रम महल या विक्रम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे राम भाई आते हुए यहाँ पे हमसे मिलने के लिए हैं, ग्वालियर फोर्ट घूमने के लिए। झांसी में इस समय रह करके पढ़ाई वगैरह अपनी कर रहे हैं और भाई भी हमारे इनके साथ आए हुए हैं, शैलेंद्र पटेल नाम है। और इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं एक कुंड के पास जो कि काफी गहरा होता है। इसमें उतरने के लिए किनारे किनारे से सीढ़ियां बनी हुई होती हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं जहांगीर महल में। और ये कुछ पार्क की प्रतिमा टाइप में बनाया गया हुआ है, पूरा मतलब पार्क बनाया गया हुआ है, इसको देख सकते हैं ऊपर से। वहाँ एंट्री नॉट अलाउड है। नहीं बे, एंट्री अलाउ नहीं है वहाँ पे। कोई भी व्यक्ति अगर एंट्री अलाउ होती तो वहाँ पे दिख भी जाता, क्योंकि वहाँ पे मंजौलिका नाचती है। मंजौलिका कौन है? मंजौलिका वो है जो जिसको जला के मारा गया था। जला के किसको मारा गया था? मंजौलिका। मंजौलिका कौन है? वहाँ पे जाके देखो कि वो नाचती हुई मिलेगी। फिल्म हुई है, पिक्चर हुई है। हाँ। तो कहते हैं उसमें ना वो नाचते उसको मारा गया था करके उसी के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा ना अभी। पकड़वा देंगे, अगर पकड़ के झूल जाएगी तो पता लगेगा, तब याद आ जाएगा तुरंत। हाँ बाबा, तुम कहाँ की हो? पार्क की जो चीज़ें, पार्क की जो चीज़ें होनी थी वो किले के अंदर अब होने लग गई हैं। खैर, आज के समय में चीज़ें पार्क ही में होती हैं भाई, है कि नहीं? है ना, आज कहाँ हो रही हैं? आज किले पे हो रही हैं, घर में हो रही हैं, हैं हर जगह हो रही हैं। सही बात है, आगे और होगा, आगे और होगा। और गाइस, ये है जौहर कुंड जो कि बनाया गया है नहा के मंदिर में, तो उसके जाने के लिए था। और पता नहीं मंदिर, इनका कहना था ये नहाने के लिए क्या नाम से कुंड बनाया गया है, और हमारा कहना था जौहर कुंड है। और हम इस समय बता ही चुके हैं, सही पहले हमारा ही किला था, दान में दे दिया, सच्चाई कह रहे हैं कि नहीं, अपना ही था कि नहीं, क्या किया जा सकता है। अब वापस लेने के लिए अब हम कहते हैं, लोग ये सब कहते हैं राम भाई भाई लोग कि सब वापस ले लो किला उला अपना की, पर कहते हैं छोड़ो हटाओ जाने दो, जान जो जिसको जो दे दिया गया दे दिया गया, उसको ले दोबारा कोई और क्या। तूने वीडियो बनाई है, मैं खुद कह रहा हूं तू भगोना भेजन से देख के, मैं तो आवाज लगाई कि नहीं लगाई, अगले आदमी नु तू आवाज लगाई कि नहीं लगाई। भाई बहुत गुस्से में लग रहे हैं। और इसके आगे सन्नाटा है, आओ मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, इसको अगर पढ़ना हो तो ये पढ़ ले, तुमको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले ले या ब्रो, दिखाते हैं आपको यहाँ का माहौल, माहौल के हिसाब से चीज़ें देखी जाए। ये मंदिर है भाई, वहाँ पैर ना रखो बाबा, ये कुछ ये कुछ सिस्टम है। AS तो बहुत है भाई, है कि नहीं? बाहर निकलते ही हम लोगों को देखने को मिलती है किले के शिखर पर एक विचित्र नारी जो काले कपड़े पहने हुए इतनी धूप में अकेले ही खड़ी थी। और यहाँ पे लगता है हम लोगों को थोड़ा सा डर, और फिर हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से बाहर। वेडिंग शूट चल रहा है और पीछे देख सकते हैं कपल्स जो है वो अपना वेडिंग शूट करा रहे हैं। कुछ लोग वेडिंग शूट करा रहे हैं, कुछ लोग वेडिंग ही मना रहे हैं अंदर, तो उनका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। खैर, वो अभी यहाँ पे हम लोग खींच रहे हैं, जा रहे हैं फ़ोटो, और यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खींचते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकलते हुए जा रहे हैं अपने घर, इधर से नहीं चलना, इसके लग गई है भूख, और जल्दी जाना है तो यहाँ से कूदने की भी व्यवस्था है सीधा ऊपर जाने के लिए। और चलते हैं अब यहाँ से नीचे, अब हम लोग चश्मा लाही ओकर चाही ओकर चाही नहीं देर, अबे उठाओ अद्धा मार तो बताए चश्मा उश्मा ना दे कौन तो पहले उससे पहले तुम चश्मा ले फोटो खींचो बताए मत कहो ना तुम ले लो नहीं
पाँच दादा गुड़चा नहीं खा रहा ठीक है ना नो नो ले भाई ले 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 अब इससे मिल अदा में अब वीडियो में आते हैं बना ले एक बार बना ले क्यों हां एक बार कायदे से माय बेडी को लाइक करना क्या माय बेडी को लाइक करना लाइक लाइक करना सब्सक्राइब करना क्या करना क्या करना भाई एक बार फिर से सब्सक्राइब करना हां बाय भाई तो गाइस बच्चे का मन नहीं तोड़ना है और लाइक और सब्सक्राइब आप लोगों को कर देना है ठीक है और इसी के साथ हम लोग इस किले से निकलते हैं बाहर मन तोड़ दिया भाई ने जो चश्मा नहीं दिया चश्मा दिया नहीं साला ये बहुत कमीने कमीने लोग हैं क्या कर सकते हैं तो निकलते हैं अब यहाँ से अब हम लोग और वीडियो को लाइक अगर अभी यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को